एयरपोर्ट के रनवे पर आप लोगों ने डिफरेंट कलर का लाइटिंग शो देखा होगा। इस लाइट का स्पेसिफिक रीजन क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और कौन कौन से कलर का इस्तेमाल करता है और इस लाइट से पायलट को कैसे मदद मिलता है, आज इस वीडियो पर इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाला है। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एरो सिंप्लीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। रनवे लाइट्स को एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ये रनवे लाइट्स रनवे का आउटलाइन फॉर्म करता है, इससे पायलट को रनवे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सके। रनवे लाइटिंग में पहला आता है रनवे एंड आइडेंटिफायर लाइट। इसे बहुत सारे एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किया जाता है ताकि अप्रोच एंड को पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन मिल सके। इस सिस्टम में पेयर ऑफ सिंक्रोनाइज्ड फ्लैशिंग लाइट का इस्तेमाल करता है और इसको हम रनवे थ्रेशोल्ड के पास इंस्टॉल करते हैं और इससे रनवे आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। सेकंड, रनवे एंड लाइट। इसमें पेयर ऑफ फोर लाइट्स होता है, इसे हम रनवे के साइड पर इंस्टॉल करते हैं और ए लाइट रनवे की एंड तक एक्सटेंड होता है। जब ऊपर से देखे तो ए लाइट्स ग्रीन दिखते हैं और रनवे से देखा तो ए लाइट्स रेड दिखते हैं। थर्ड, रनवे एज लाइट। इसे रनवे का आउटलाइन फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम इसे एज लाइट कहते हैं और इसे लाइट का इंटेंसिटी के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है और इसमें मीडियम, हाई और लो लाइट इंटेंसिटी होता है। ज्यादातर रनवे एज लाइट्स व्हाइट कलर में होता है। फोर्थ, रनवे सेंटर लाइन लाइट्स। ये लाइट्स रनवे की सेंटर पर होता है और ये लाइट व्हाइट कलर में होता है। ये रनवे की सेंटर लाइन को स्पेसिफाई करता है। रनवे की एंड पर ये लाइट व्हाइट कलर से रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। फिफ्थ, टच डाउन जोन लाइट। इस लाइट सिस्टम में व्हाइट कलर का रोज होता है और हर रो में तीन लाइट को फिट किया जाता है और ए लाइट 900 मीटर्स तक एक्सटेंड किया जाता है। सिक्स्थ, टैक्सीवे सेंटर लाइन लीड ऑफ एंड लीड ऑन लाइट्स। लीड ऑफ लाइट्स लीड ऑफ मार्किंग के साथ इंस्टॉल किया जाता है। अल्टरनेटिवली ग्रीन एंड येलो लाइट्स ब्लिंक होता है और लीड ऑन लाइट्स रनवे पे एयरप्लेन ट्रैफिक के अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। सेवेंथ, लैंड एंड होल्ड शॉट लाइट्स। इस सिस्टम में व्हाइट ब्लिंकिंग लाइट्स को रनवे के अक्रॉस इंस्टॉल किया जाता है। ये लाइट्स लैंड और होल्ड शॉट ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। एट, अप्रोच लाइट सिस्टम। इस लाइट सिस्टम को रनवे के अप्रोच एंड पर प्लेस किया जाता है और ए लाइट्स सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है और इसका खास रूल ये है कि ए लाइट्स 3 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देना चाहिए। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ लाइट सिस्टम के बारे में। यूजुअली इन सारी लाइट्स को कंट्रोल टावर या फिर फ्लाइट सर्विस स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है। कुछ रनवे पे इस लाइटिंग को कंट्रोल करने के लिए स्टाफ नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में पायलट कंट्रोल लाइट्स की मदद से टेम्पररीली इसे ऑन कर सकता है। कुछ एयरपोर्ट पर रनवे लाइटिंग और रनवे मार्किंग का अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पर सिर्फ विंड सॉ का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, ये था रनवे लाइटिंग्स के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एरो सिंप्लीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट माय वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।